एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर ये पहला एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपको कि आपको सॉल्यूशन निकालना है और एनी एल्जेब्रिक मेथड से आप, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन पहले जो आपको दिया है प्रॉब्लम, उसका आपको इक्वेशन बनाना है। तो उसके अंदर पहला है कि कोई मंथली चार्ज दिया है, हुआ है हॉस्टेल का, हाँ, और फूड का कॉस्ट भी दिया हुआ है, बराबर है। जो वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, वो खाता है जब, तो आपको पता है कि फिक्स चार्ज तो रहता ही है, ये मंथली फिक्स चार्ज। अगर आप खाते हो कि नहीं खाते हो, मेस के अंदर आप खाने जाते हो तो वो तो देना रहता है। लेकिन अगर आप जो जो दिन खाते हो तो उस दिन के हिसाब से आपको अलग भी चार्ज देना पड़ता है, तो वो भी है, बराबर है। और दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा। तो आप देखते हैं उसके अंदर स्टूडेंट ए टेक फूड इन मेस फॉर ट्वेंटी डेज एंड सी हैज टू पे रुपीज ऑफ 1000 तो अब इक्वेशन बनाते हैं उसका। टोटल चार्ज 1000 है, एक्स तो मंथली चार्ज फिक्स है, 20 दिन का है, एक दिन का वाई है, तो 20 दिन का 20 वाई इज इक्वल टू 1000। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा है स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डे एंड पे रुपीज 1180। तो इसका एक्स तो फिक्स चार्ज मंथली, वो तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन 26 डे है तो 26 वाई इज इक्वल 1180। तो इक्वेशन हो गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन है, इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करता हूं, यूज बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, बराबर है। इक्वेशन 2 को इसमें से माइनस करते, देखो एक्स एक्स तो सेम ही है, खाली इसकी साइन प्लस है, इसकी भी प्लस है, इसीलिए दोनों के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन की है। अगर ऑपोजिट साइड रहती साइन तो हम क्या करते, एडिशन करते। तो अब सॉल्यूशन के लिए अपना था कितना, एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 1000 और एक्स प्लस 26 वाई 1180, बराबर है। सब्ट्रैक्शन है, इधर मैंने सब्ट्रैक्शन बोला है, इसीलिए साइन चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया साइन, तो बचेगा क्या, माइनस 6 वाई, इधर भी बिग नंबर माइनस 180, दोनों माइनस कट गए तो 180, तो y इज इक्वल टू 180 बाय 6, तो y इज इक्वल टू 30। अभी y इक्वल टू 30 इक्वेशन 1 या 2 कोई में रखो, इक्वेशन 2 में 1 में रखते हैं तो
एक्स प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, तो एक्स प्लस 20y की जगह पे 30, तो 1000 लग दिया, तो एक्स प्लस 3 टू जा 6 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो x इज इक्वल टू 400, तो आपको मंथली चार्ज मिल गया। मंथली चार्ज x इज इक्वल टू 400 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो फूड पर डे चार्ज y इज इक्वल टू कितना मिला, 13 रुपीज। नंबर टू, उसके अंदर बोला है कि फ्रैक्शन बिकम 1/3, यानी कोई फ्रैक्शन की बात है, तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि जब कोई फ्रैक्शन नंबर की बात आती है तो इसमें न्यूमरेटर रहता है और डिनोमिनेटर रहता है, तो न्यूमरेटर मैंने एज्यूम किया कि x है और न्यूमरेटर एज्यूम किया कि वो y है, बराबर, यानी मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, x बाय y हो गया, इतना तो आपको मिल गया। अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। तो फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम, यानी क्या लिखा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर। हाँ, तो ये जो जब सेंटेंस लिखना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर से लिखना है। तो क्या बोला है, एक माइनस किया है न्यूमरेटर में तब आपका फ्रैक्शन चेंज होके 1/3 हो जाता है, किसमें से माइनस किया है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एक्स है तो एक्स माइनस 1, वाई में तो कुछ नहीं किया डिनोमिनेटर तो वही है, तो वो आपका 1/3 हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करते 3 इधर आएगा, तो 3 एक्स माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाई इधर जाएगा तो वाई मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x वाई उस साइड जाएगा माइनस वाई, 3 उस साइड जाएगा तो प्लस 3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, फ्रैक्शन 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इज डिनोमिनेटर, तो दूसरा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी क्या किया है, डिनोमिनेटर जो y है उसके अंदर 8 ऐड किया है, तब आपका फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू चेंज होके 1/4 होती है, तो वो लिखते हैं, x में कोई नहीं, न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं किया, न्यूमरेटर है उसके अंदर 8 ऐड की है, तो आपका नया फ्रैक्शन बनता है वैल्यू 1/4, 4 इधर जाएगा तो 4x ये 1y प्लस 8, तो इधर 4x y प्लस 8, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया आपको, बराबर है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो आगे मैंने सिखवाई है वो सब एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या जो भी, क्योंकि वो सब करेंगे तो एग्जाम्पल लंबे होते जाएंगे, बस जो मेन चीज है वो मैंने आपको करके दे दी है, आप कोई भी मेथड से आके सॉल्व कर सकते हो। तो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें यस स्कोर करता है 14 मार्क इन द टेस्ट। अब आपको इसके अंदर क्या है,
हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द केस, केस के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है वो आपको ढूंढना है। अब यस को राइट मार्क्स मिलते हैं यानी यस का आंसर सही होता है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर लूज यानी रॉन्ग होता है तो 1 मार्क्स मिलता है रॉन्ग के लिए। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आपको इधर कौन से, तो राइट क्वेश्चन की बात है रॉन्ग क्वेश्चन की बात है। अभी 10 क्वेश्चन है उसमें से 5 मेरे अदरवाइज या 7 मेरे राइट क्वेश्चन है बराबर है, तो उसका मतलब 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो 7 और 3 करोगे तो टोटल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे कि 10 रहेंगे। तो इस तरह से इसमें भी आपको ढूंढना है। तो मैंने एज्यूम किया सपोज यस गिव द एक्स राइट आंसर, उसने एक्स नंबर के राइट आंसर दिए और वाई जो नंबर है उसने रॉन्ग आंसर दिए। अब देखते हैं यस को कितने मार्क्स मिलते हैं, 40 मार्क्स को मिलते हैं उसको मार्क्स। अब देखते गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग। यानी देखो एक सही आंसर है तो इसके 3 मार्क्स है, कितने कितने सही हुए x आंसर तो 3x होगा बराबर, 3x सही आंसर है यानी x से नंबर ऑफ सही आंसर है और हर एक के 3 मार्क्स है तो 3x तो ये सही आंसर के मार्क्स आ गए। इसमें से उसको रॉन्ग कितने के 1 है, वैसे कितने हैं y है तो y मल्टीप्लाई 1, तब टोटल मार्क्स कितने हैं मिले उसको 14 मिले टोटल मार्क्स, तो 14 लिख दिए वो यस और 14 मार्क्स वो लिखना था तो लिख दिया और एंड यस स्कोरेड 14 मार्क्स, तो 14 आ गया इसका मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा है 4 मार्क्स हैज अवॉइडेड फ्रॉम ईच करेक्ट आंसर, यानी अभी उल्टा हो गया 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड क्या बोला है एंड 2 मार्क्स हैव डिडक्ट फ्रॉम ईच इनकरेक्ट मार्क्स, यानी 2 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर बराबर है, तो उसका मतलब तब जाके तो 4 मार्क है वो सही के लिए तो 4x होगा, और माइनस 2y इज इक्वल टू फिर से 14 मार्क्स को थे इक्वेशन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 इंटू 20 कर सकते, ये 2 कट जाएगा तो आपको आंसर में क्या मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते, तो इक्वेशन कौन कौन से मिले तो मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 और दूसरा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते।